जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग जिस स्कीम के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज स्टैंड अप इंडिया स्कीम। देखिए, ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम बेसिकली 2016 में लॉन्च की गई थी। ये बेसिकली हम अभी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है उसको 2025 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। मतलब हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने ये स्कीम जो चालू करी थी वो 2016 में करी थी, तो अब उन्होंने क्या किया है, इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है अप टू 2025। तो ये जो हमारा जो सेशन है, ये बेसिकली छोटा सा सेशन है स्टैंड अप इंडिया के बारे में जानने के लिए कि एक्चुअली ये स्कीम है क्या। देखिए, स्टैंड अप इंडिया स्कीम बेसिकली उन लोगों के लिए है, या उन लोगों की मतलब उन लोगों के लिए है जो कि थोड़े से डिसएडवांटेजियस पोजीशंस में हैं, उनको बैंक से लोन प्रोवाइड कराने के लिए। बेसिकली ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम चालू हुई 2016 में। इसके तहत जो हमारे शेड्यूल कास्ट है, या जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, या जो वुमेन्स हैं, बेसिकली इसमें तीन कैटेगरी चुनी गई। सबसे पहले तो SC, उसके बाद ST और तीसरे वुमेन। ये तीनों एंटरप्रेन्योर जो हैं, मतलब इन तीनों श्रेणी में या तो वो SC हो या ST हो या वुमेन हो, अगर ये कोई बिजनेस चालू करना चाहते हैं, या अगर कोई ये बिजनेस करना चाहते हैं, कोई अपना चालू करना चाहते हैं काम, तो बेसिकली इनको बैंक से लोन प्रोवाइड कराने के लिए ये स्कीम चालू की गई। मैं आपको स्टैंड अप इंडिया का इसलिए स्पेसिफिकली बता रहा हूं क्योंकि ये स्कीम जो है वो सिर्फ SC, ST और वुमेन्स के लिए है, स्टैंड अप इंडिया। वैसे तो एक और स्कीम भी चली है, उससे पहले इंडिया ने चालू किया था, दैट इज स्टार्टअप इंडिया। बट ये जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर SC, STs और वुमेन्स। मतलब कोई अगर शेड्यूल कास्ट से है, या शेड्यूल ट्राइब से है, या कोई महिला है जो अपना खुद का कुछ काम शुरू करना चाह रहे हैं, या कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो इस स्कीम के तहत उनको बैंक से लोन मिल सकता है। ये स्कीम लागू की गई थी 2016 में और उसको अभी फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है 2025 तक। हाल ही में अभी जो बजट हुआ था 2021-22 का, उसमें भी कुछ प्रोविजंस स्टैंड अप इंडिया स्कीम को लेकर के किए गए, उसको हम आगे देखते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम है क्या। दिस वॉज लॉन्च इन 2016। मतलब ये कब लॉन्च हुई, 2016 में, और अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड कर दिया स्टैंड अप इंडिया स्कीम को अप टू द ईयर 2025। मतलब इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया अप टू द ईयर 2025। नेक्स्ट, ये जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, ये बेसिकली उन अंडरजर्व्ड सेक्टर्स ऑफ पीपल्स के लिए है जो कि थोड़े से बैकवर्ड उससे आते हैं, या जो रीच आउट नहीं हो पाता जिन सेक्टर्स तक, लोगों तक। देखिए, जनरली होता क्या है कि जो SCs हैं या ST हैं या वुमेन्स हैं, उनको लोन मिलना थोड़ा सा एक मुश्किल रहता था। ये शुरुआत से इसका एनालिसिस हुआ कि उनको उनके तक पहुंचने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई कि भाई वहां तक हम पहुंच सकें। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट स्ट्रक्चर, SUI स्कीम सीक्स टू लेवरेज द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट स्ट्रक्चर टू रीच आउट टू द अंडरसर्व्ड सेक्टर ऑफ द पीपल। जो अंडरसर्व्ड सेक्टर्स हैं, जैसे SC हो गया, ST हो गया, या वुमेन्स हो गई, इन तक पहुंचने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। और नेक्स्ट, ये स्कीम जो होती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। ये आपको पता होना चाहिए, ये आप करेंट इश्यूज सॉरी ये जनरल नॉलेज के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। इसमें भी जो डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, इस स्कीम ये जो स्कीम आती है स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। अब अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात आई है,
तो अभी हमें ये जान लेना चाहिए कि करंट में मिनिस्टर कौन है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के करंट में मिनिस्टर जो हैं वो हैं पीयूष गोयल जी। ये भी आपको पता होना चाहिए, अभी करंट में जो मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वो कौन है? पीयूष गोयल जी। स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है वो इसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। इट वॉज लॉन्च ऑन 16 जनवरी 2016, 16 जनवरी 2016 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, नाउ व्हाट आर दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्या क्या है इस स्कीम की? देखिए, सबसे पहली स्कीम की एलिजिबिलिटी यही है कि भाई या तो शेड्यूल कास्ट हो, या शेड्यूल ट्राइब हो, या वुमन एंटरप्रेन्योर, अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 साल से ऊपर, मतलब या तो एससी हो या एसटी हो या महिला हो, जो 18 साल से ऊपर है वही एलिजिबल है इस स्कीम के प्रति। स्कीम के प्रति लोन्स अंडर द स्कीम इज अवेलेबल ओनली फॉर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स। अब यहाँ पे ग्रीन फील्ड क्या है? ग्रीन फील्ड मतलब फर्स्ट टाइम वेंचर, या तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, या सर्विसेज में हो, या एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में हो, या ट्रेडिंग सेक्टर में हो। मतलब कि आपका जो वेंचर है वो एग्जिस्टिंग नहीं होना चाहिए, वो फर्स्ट टाइम होना चाहिए। मतलब आप पहली पहली बार अपनी दुकान खोल रहे हो। मतलब बेसिकली सिंपल भाषा में कहा जाए तो आप पहली बार दुकान खोल रहे हो तभी आपको ये लोन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑलरेडी बिजनेस है और आपने इससे लोन उठा लिया, नहीं। ये पहली बात तो जो एससी एसटी हैं और जो वुमेन हैं उन्हीं के लिए है। दूसरी बात, ग्रीन फील्ड के लिए, ग्रीन फील्ड मतलब जो फर्स्ट टाइम वेंचर है, मतलब अभी नई नई दुकान खोली है, वही एलिजिबल है लोन लेने के लिए। तीसरा, अगर कोई नॉन इंडिविजुअल है, मतलब अगर कोई इंडिविजुअल नहीं है, अगर मान लीजिए कि कोई एंटरप्राइज भी है तो भी उसमें 51% शेयर होल्डिंग जो होनी चाहिए वो या तो एससी एसटी बंदा हो या फिर वो महिला हो, उनको मिल सकता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि कोई एंटरप्राइज है, वो अगर स्टैंड अप इंडिया के लिए लोन अप्लाई करती है तो उसकी 51% की शेयर होल्डिंग या तो किसी महिला के हाथ में होनी चाहिए या फिर वो जिस बंदे के भी हाथ में हो वो एससी या एसटी कैटेगरी से, तो ही उस एंटरप्राइज को स्टैंड अप इंडिया के तहत लोन मिल है। ये सब एलिजिबिलिटी कंडीशंस बता रहा हूं मैं आपको, एक एक कंडीशन क्लियर होनी चाहिए। पहला कंडीशन क्या थी? एससी एसटी या वुमेन हो। दूसरा, फर्स्ट टाइम वेंचर मतलब पहली बार दुकान खोली हो। तीसरा, नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज अगर कोई है, मतलब कोई इंडिविजुअल नहीं है लेकिन उसमें भी 51% शेयर होल्डिंग जो होनी चाहिए वो या तो महिला की हो या फिर एससी एसटी की। उसके अलावा जो पैसा लेने वाला है वो बैंक से कोई भी डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, उनको ही स्टैंड अप इंडिया के तहत लोन मिल सकता है। तो बेसिकली ये चार क्राइटेरिया हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टैंड अप इंडिया के, जिसके तहत लोन इन्हीं लोगों को मिल सकता है। पहला तो एससी एसटी या वुमेन हो, दूसरा पहली बार दुकान खोली हो, तीसरा अगर कोई एंटरप्राइज है तो 51% शेयर होल्डिंग एससी एसटी या वुमेन की हो, और चौथा वो डिफॉल्टर। ये चार कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो ही आप एलिजिबल हैं फॉर द लोन इन स्टैंड अप इंडिया। नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एसयूआई स्कीम? अब ये जो स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम बनी, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? टू फैसिलिटेट बैंक लोन्स बिटवीन 10 लाख एंड 1 करोड़ टू एटलीस्ट 1 एससी और एसटी बोरोवर एंड एटलीस्ट 1 वुमेन बोरोवर पर बैंक ब्रांच। देखिए, बेसिकली इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव था लोगों को लोन प्रोवाइड करना। किनको? जो एससी हैं, एसटी हैं और वुमेन हैं, इनको 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड करना, यही इस स्कीम का मेन एम था, ताकि वो एक एंटरप्रेन्योर बन सके, वो अपना कुछ खुद का काम कर सके। एज ऑफ जून 2021,
ओवर 1.1 लाख लोन्स अमाउंटिंग टू ओवर ₹26,000 करोड़ हैव बीन एक्सटेंडेड अंडर दी स्कीम सिंस इंसेप्शन। देखिए जून 2021 तक में तकरीबन 1.1 लाख लोगों को लोन मिल चुका है और उसका अमाउंट अप्रोक्सीमेटली कितना है, 26,000 करोड़ इस स्कीम के तहत। द एस यू आई पोर्टल, देखिए यहाँ पर एस यू आई एक स्टैंड अप एस यू आई पोर्टल जो है प्रोवाइड्स अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, मतलब ये जो स्टैंड अप इंडिया ने अपना एक पोर्टल बनाया है जिसमें वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं टू सपोर्ट एंटरप्राइजेस प्रमोशंस अमंग SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स थ्रू हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन फाइनेंसिंग एंड क्रेडिट गारंटी। देखिए इंफॉर्मेशंस लोगों को प्रॉपर देना, उनको सपोर्ट करना, इसके लिए स्टैंड क्रेडिट की गारंटी देना, इसके लिए स्टैंड अप इंडिया ने एक पोर्टल बनाया है जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है। किनको, जो SC ST या वुमन एंटरप्रेन्योर है उनके लिए एक स्टैंड अप इंडिया पोर्टल बनाया गया है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट डज नॉट अलोकेट फंड फॉर लोन्स अंडर द स्कीम। लोन्स अंडर द स्कीम आर एक्सटेंडेड बाय द शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स एंड कैन बी असेस्ड इन थ्री पोटेंशियल वेज, डायरेक्टली एट द बैंक ब्रांच और SUI पोर्टल और लीड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैनेजर सॉरी लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। देखिए गवर्नमेंट कोई फंड अलोकेट नहीं करती स्कीम के लिए, लोन्स के लिए गवर्नमेंट कोई फंड अलोकेट नहीं करती। गवर्नमेंट क्या करेगी, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं वो इस स्कीम के तहत लोन देते हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली बैंक की ब्रांच में जाके पता कर सकते हैं लोन के लिए, वहां से आप डायरेक्टली ले सकते हैं, या फिर स्टैंड अप इंडिया का पोर्टल पे आप जा करके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर लेड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भी हैं जो कि आपके लिए एलिजिबल है, आप वहां पर भी जा करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स थे इस स्कीम के। अब हाल ही में जो 2021-22 में जो बजट आया उसमें स्टैंड अप इंडिया के ऊपर क्या कहा गया फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, रीसेंट चेंजेस मेड इन द बजट 2021 एंड 22। देखिए सबसे पहला तो जो चेंज ये किया कि ये जो मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट थी फॉर लोन्स के लिए अंडर द स्कीम हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम अप टू 25% टू अप टू 15%। अब देखिए समझिए ये मार्जिन मनी क्या है। देखिए कभी भी आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक कार खरीदते हैं तो कार में अगर आप कार के लिए लोन अप्लाई करते हैं तो आपको पूरा लोन नहीं मिलता, आपको कुछ मार्जिन मनी जमा करना पड़ता है, मतलब कि कुछ मार्जिन मनी आपको जमा करना पड़ता है और बाकी परसेंटेज लोन बैंक प्रोवाइड करता है। वैसे ही इस स्कीम में भी जो लोन मिलता है उसमें आपका, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 10 लाख रुपए है, तो जो बैंक है वो आपको पूरे 10 लाख रुपए नहीं देगा, वो आपको पहले, अगर मैं इस बजट के पहले की बात करूं 2021-22 से पहले की बात करूं बजट से, तो वो जो देता था वो 75% देता था। मतलब अगर आप 10 लाख के लोन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और आपने अपने प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग 10 लाख बताई है तो वो आपको 7.5 लाख रुपए देगा, 2.5 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए अपने बजट को, अपने प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए। तो ये जो मार्जिन मनी है ये बेसिकली अब इसको घटा के 25% से 15% कर दिया, मतलब पहले जो बैंक 7.5 लाख रुपए आपको दे रहा था वो अब 8.5 लाख रुपए आपको देगा। मतलब अगर आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट 10 लाख रुपए है तो आपको सिर्फ 1.5 लाख रुपए अपने पास रखने की जरूरत है, बाकी के 8.5 लाख रुपए का लोन आपको बैंक देगा जो पहले 7.5 लाख रुपए देता था। तो ये तो ये चेंज किया गया बजट में। तो बेसिकली क्या किया गया, द मार्जिन मनी इज द अमाउंट दैट अ बोरोवर नीड्स टू पे फ्रॉम वंस ओन फंड्स व्हाइल द बैलेंस अमाउंट ऑफ द लोन विल बी पेड बाय द बैंक। मतलब कि मार्जिन मनी का मतलब यही है कि भाई अगर 10 लाख का लोन चाहिए
तो उसके 15% के हिसाब से 1.5 लाख रुपए आपके पास स्वयं होना चाहिए। आपके पास 1.5 लाख रुपए होने चाहिए और तब आपको 10 लाख रुपए का लोन पूरा नहीं मिलेगा, आपको 8.5 लाख रुपए बैंक दे देगा। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। जो पहले 25% था वो आप कितना घटा के कर दिया 15%। नेक्स्ट, तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें इंक्लूड करी गई वो ये किया गया कि अब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को भी स्कीम में इंक्लूड कर दिया गया। पहले एग्रीकल्चर नहीं था, पहले एग्रीकल्चर नहीं था, पहले सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग था, ट्रेडिंग था, सर्विस सेक्टर, यही तीन सेक्टर हुआ करते थे। एग्रीकल्चर सेक्टर पे लोन नहीं मिलता था। अब एक्टिविटीज जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं उनकी भी इस स्कीम में अब डाल दिया गया है। ये अभी रिसेंटली इस बजट में हुआ। सो आई होप कि आपको स्टैंड अप इंडिया स्कीम समझ में आई होगी, स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्लियर हुई होगी। रिसेंटली अभी बजट में क्या हुआ उसी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। सो गाइस आई होप कि आपको हमारा ये जो करंट इश्यूज का सेशन है ये पसंद आ रहा होगा। सो प्लीज अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। एंड गाइज थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम नाउ। सो गाइज थैंक यू, हैव अ गुड डे। जय हिंद, नमस्कार।